हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ मम्मी के घर से, क्योंकि मैं मम्मी के घर पर आ चुकी हूँ और समथिंग बज रहा होगा 2 और दोपहर का समय है। तो यहाँ पर हम लोगों को जाना था कहीं बाहर, तो इसलिए फिर इन लोगों के घर पर आ गई थी मैं इनको लेने के लिए। एक्चुअल में गाइस, हमें जाना था बाज़ार और बाज़ार में हमें लेना था एक बड़ा सा सामान। और जब भी हमें कोई सामान लेना होता है, मतलब अपने घर के लिए, और लगता है कि इसमें 1 से 2 लोग होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसलिए फिर मैं भाई को ले जाती हूँ। और अगर मम्मी कुछ ख़रीदती हैं तो फिर वो मुझे ले जाती हैं। ऐसा हम लोगों के घर में होता ही रहता है कि जब भी एक दूसरे की ज़रूरत होती है तो हम लोग साथ में चले जाते हैं। तो आज भाई की ज़रूरत पड़ गई थी हमें, तो उसको समय भी था दिन में, उसकी नाइट ड्यूटी चल रही है, इसलिए फिर उसको लेने आ गए थे हम लोग। और वैसे भी उससे पूछ भी लिया था कि उसको समय है कि नहीं, और उसको जब समय नहीं था तो हम लोग फिर अकेले नहीं गए। जैसे ही उसको समय मिला तो हम लोग फिर साथ में सब लोग पहुंच गए और फिर मम्मी को भी ले गए थे। मम्मी भी हमारी साथ में है क्योंकि मम्मी को कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ बाज़ार से सामान लेना था, तो इसलिए फिर सोचा कि चलो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम सब लोग निकल आए हैं बाहर, और ख़रीदारी क्या करनी है वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा, क्योंकि सस्पेंस ज़्यादा देर तक क्रिएट नहीं हो सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, और बच्चों को मैं सुलाए आई थी। गाइस, मेरे बच्चे जो हैं वो सो गए थे, तो इसलिए फिर मैं दोपहर में जाने की हम लोगों ने प्लानिंग की, क्योंकि बच्चों को लेके आओ तो बच्चे परेशान करते हैं, कुछ ख़रीदने में मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, इसलिए फिर सोचा कि दोपहर में ही चलेंगे। और अभी मेरी सासू माँ आई हुई हैं तो उनके भरोसे छोड़ आए थे, क्योंकि मेरा बच्चा जब सो जाता है ना तो थोड़ा फिर ज़्यादा देर के लिए छोटा वाला सो जाता है, इसलिए फिर उसको छोड़ के हम लोग चले आते हैं। तो गाइस, फिर हम लोग आ गए थे यहाँ शॉप पर। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री मारी, वैसे ही यहाँ पर ये हम लोगों को सीढ़ी वगैरह हम लोगों को दिखाई दी और ये एकदम पसंद आ गई थी, फिर सोचा कि चलो ले लेंगे। और फाइनली बहुत पसंद आ गई थी तो हम लोगों ने फिर सोचा कि इसको जाते समय ले लेंगे। अगर जो चीज़ हम लोग लेने आए हैं, अगर काम यहाँ से बन जाता है तो यहाँ से फिर लेते हुए चलेंगे। और मम्मी को भी पसंद आ गई थी, क्योंकि मम्मी के घर में भी इसकी ज़रूरत है और हमारे घर में भी है, अभी हम लोगों ने ख़रीदी नहीं है लेकिन ले लेंगे, कोई इतना वो नहीं है। फिर उसके बाद गाइस, हम लोग मेन जो चीज़ लेने आए थे तो वो देखने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे। और यहाँ पर बहुत बड़ी शॉप है, सब कुछ मिलता है। हमारे घर की ज़्यादातर शॉपिंग यहीं से हुई है, मतलब जैसे कि गेट के लॉक, चटकनी, हैंगर, मतलब जो भी बहुत सारा सामान यहाँ पर मिलता है, आपको हर प्रकार का मिल जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादातर शॉपिंग जब हमारा घर बना था तो हम लोगों ने यहीं से करी थी, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर आ गए थे। और आप देख सकते हैं कि हम लोग आज फाइनली लेने आए थे अपनी किचन के लिए चिमनी, और चिमनी जो थी बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर थी। और क्या होता है ना कि 1 से 2 लोग भले होते हैं, 2 से 3 और 3 से 4, तो हम सब लोग थे, या 4 लोग थे हम लोग। और क्या होता है ना कि किसी ना किसी का दिमाग कहीं ना कहीं चल ही जाता है। और वैसे मैं ऑनलाइन शॉपिंग इस टाइप से करना बहुत कम पसंद करती हूँ, मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं लेकिन मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता है। मैं यही सोचती हूँ कि शॉप से अगर देखो अच्छे से तो ज़्यादा बेटर रहता है, अदरवाइज़ ऑनलाइन में चीज़ें मुझे उतनी समझ में नहीं आती हैं। लेकिन मैं शॉपिंग ऑनलाइन भी करती हूँ, ऐसा नहीं है, जिस जो चीज़ पे मुझे बिल्कुल 100% विश्वास रहता है मैं वो चीज़ ऑनलाइन लेना पसंद करती हूँ। खैर, जाने देते हैं उस बात को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अंकल हम लोगों को दिखाने लग गए थे और हर चिमनी के बारे में क्वालिटी वगैरह बताने लग गए थे, किसकी क्या क्वालिटी थी। और एक से एक महंगी थी और सस्ती तो आप बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि चिमनी सस्ती तो खैर आती ही नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत देर तक यहाँ दिमाग लगाया, उनकी बातें सुनी, पर हमने उनकी शॉप से नहीं ली क्योंकि हमें उनकी शॉप पे ज़्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि जिस तरीके की वो दिखा रहे थे उस तरीके की मेरी मम्मी के घर में ऑलरेडी लगी हुई है, लेकिन हमें सोच रहे थे कि हम लोग कुछ अलग मिल जाए, कुछ अच्छा मॉडल हो, क्योंकि हर चीज़ में मैं थोड़ा सा नया देखना पसंद करती हूँ, इसलिए फिर हम लोग आ गए थे दूसरी शॉप पर। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी चिमनी देखी और फाइनली हमें यहाँ पर पसंद आ गई थी और जिस प्रकार की हमें चाहिए थी वैसी हम लोगों को मिल गई थी।
तो हम फिर आ गए थे घर पर और वहीं छोड़ दी थी चिमनी। तो उन भैया ने फिर नाइट में भिजवाई, क्योंकि हम लोग 2 बजे निकले थे, दो दो ढाई घंटे हम लोगों को लगे होंगे देखने में, मतलब पसंद करने में, जहाँ पसंद आई फिर वहाँ बुक कर दी थी। तो उन्होंने जब भेजी तो रात में भेजी, 8 बज रहा होगा समथिंग, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट हो रही है और ये अंकल जी लेके आ गए थे, इन्होंने फ़ोन कर लिया था हम लोगों को। तो फिर हम लोगों ने अपना एड्रेस बता दिया था और ये फिर घर पे आ गए थे। और ये अंकल ये हमारे घर पे एसी लेके आए थे, और उन्हीं की शॉप से हम लोगों ने एसी भी ख़रीदा था और चिमनी भी उन्हीं की शॉप से ख़रीदी थी। तो ये वही बताने लग गए थे कि यहाँ हम पहले भी आ चुके हैं। तो मैंने कहा कि आप कब आए, मैं तो भूल गई थी, लेकिन उन्हें याद था कि यहाँ पर एसी की डिलीवरी हमने की है, तो मुझे फिर याद आया कि शायद यही अंकल आए थे। तो यहाँ पर फिर मेरे हस्बैंड जो है सब कुछ चेक करने लग गए थे और सारी चीज़ें जो भी थी उनके समझ की, तो उन्होंने फिर देखी और चेक की, और उसके बाद जो बिल वगैरह था वो उन्हीं के पास था, तो उन्होंने फिर बिल वगैरह भिजवा दिया था। हमने पेमेंट तो वहीं कर दी थी। और चिमनी कितने की है और कैसी है वो अभी मैं आगे आपको बता दूंगी कि कितने की हम लोगों को पड़ी है और कैसी है, तो वो आपको पता चल ही जाएगा। फिर उसके बाद वो अंकल चले गए थे और नाइट थी, और आज तो लगनी नहीं थी चिमनी, चिमनी लगनी थी कल, क्योंकि इंस्टॉल के लिए जिसको आना था वो आया नहीं था नाइट में, और वैसे भी नाइट में फिर हम लोगों ने सोचा कि क्या लगवाएंगे, अब कल ही लगवा लेंगे, तो इसलिए फिर उठा के रख दी अंदर दोनों की दोनों ने। और कोई भी नई चीज़ आती है ना गाइस तो सबको खुशी होती है, तो हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी थी। और दिवाली के समय तो हम लोग कोई भी चीज़ खरीदें बहुत ही अच्छा लगता है, और इसके साथ हमें ऑफ़र भी मिला है, मतलब हम लोगों ने जो दिवाली पे शॉपिंग की है इसके साथ हमें ऑफ़र नहीं मतलब गिफ्ट मिला है सॉरी, तो वो क्या मिला है वो मैं बता दूंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरे दिन ये लोग आए थे शाम को लगाने के लिए, और यहाँ पर फिर उन्होंने नापतौल शुरू कर दी थी चिमनी लगाने की, और तो चिमनी लगनी हमारे घर में स्टार्ट हो गई थी, और उन्हीं ने ओपन की, हम लोगों ने तो ओपन वगैरह नहीं की थी। जब उन्होंने ओपन की तभी हम लोगों ने देखी कि हाँ जो हम लोगों ने पसंद की थी वही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 लोग आए थे और दोनों लोग बढ़िया आराम से लगाने लग गए थे चिमनी। और दिवाली में बहुत सारे काम हम लोगों ने छोटे मोटे करवाए हैं, लेकिन जो भी काम करवाए हैं ना तो बड़ा मतलब मन को बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और वैसे तो चिमनी के बारे में सारी नॉलेज थी हम लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी हमारे मतलब मम्मी के घर में लगी हुई है, तो हमें ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होनी थी कि कैसे चलाना है कैसे क्या करना है, लेकिन फिर भी हमने इन लोगों से पूरी जानकारी ली, और क्या क्या जानकारी इन्होंने दी वो आपको आगे पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद इन्होंने सारा जो भी मेज़रमेंट था सारा कर लिया था, और उसके बाद ये लोग लगाने लग गए थे। और इन्होंने जब होल किए ना तो मेरा दिमाग फिर खिसक गया था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी घर की सारी साफ़ सफाई कर दी है, अब कहीं भी कोई भी काम डस्ट का होता है ना तो वाकई में सच्ची दिमाग ख़राब हो जाता है कि कहीं फिर से ऐसा ना हो कि दोबारा से हमें ऐसा कोई काम करना पड़ जाए। तो वही मैं सोच रही थी, मैं इनसे बोल भी रही थी कि मेरे को सामान हटा लेने दो, लेकिन बोलने लग गए कि ज़्यादा गंदगी नहीं फैलेगी। और फिर ये दोनों की दोनों अपने कामों में बढ़िया तरीके से जुटे हुए थे, और ज़्यादा वाकई में ज़्यादा मतलब जो भी होल किए थे उससे थोड़ा बहुत ही गंदा हुआ था, ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी कोई भी काम कराओ ना तो फैलाव तो हो ही जाता है, ये तो फैक्ट है। और यहाँ पर ये ड्रिल मशीन की आवाज़ से बहुत रो रहा था, तो मेरे हस्बैंड इसको बाहर ले गए थे, जब तक मतलब यहाँ होल हुए जब तक ये बाहर ही रहा, पता नहीं ये ड्रिल मशीन से क्यों इतना डरता है, मतलब उसमें जो आवाज़ होती है शायद मे भी हो सकता है उससे डरता है। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिमनी जो है वो लग रही है और लगने ही वाली है, बहुत अच्छा लग रहा था वाकई में, मैं फिर बोलूँगी बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि किचन का जो लास्ट काम था आज फाइनली हमारे घर में हो गया है। तो इसके बाद कुछ भी ऐसा काम हम लोगों को किचन में कराना नहीं है। तो फाइनली यहाँ पर गैस लग गई है चिमनी, और इन्होंने थोड़ी बहुत जानकारी हम लोगों को दी। एक बार करेंगे तो ये सेकंड हो गई, दोबारा फिर करेंगे ये फुल स्पीड हो गई,
और ये दोबारा फिर चार बार फिर करेंगे तो बैंक नंबर हो जाएगी, एक नंबर आ जाएगी। आगे ये एक नंबर है, ये दो नंबर है, यही तीन नंबर है, दो नंबर पर लाइट बिलिंग करेगी, तीन नंबर पर हो जाएगी। और ये लाइट ऑप्शन है आपकी, ये राज का ऑटो प्रिंट का। तो चिमनी को आप जब बंद करोगे तब ये ऑटो प्रिंट तीन से पांच सेकंड दबा रखना, ये लग गया ऑटो प्रिंट। अभी आप ऑटोमेटिक 10 मिनट बाद लाइट बंद हो जाएगी, बिलिंग होना, लाइट बंद हो जाएगी तब उसके बाद स्प्रे को निकाल लेना ऐसे, बस साबुन वगैरह धोगे इसको, ऑयल को निकाल के नमी को छो दो के ऐसे ही करके लगा लेंगे। एक ऐसे एक ऐसा हो जाता है, कितना से काम चिमनी आपकी यहाँ से बंद होगी इस साइड से दो बार में, एक और ये दो, कितना से काम दो बार में चिमनी बंद होगी। अभी तो बंद है, अभी ऑन करनी, दो बार ऑन होगी, एक बार ऑन होगी ऑन हो गए, अब दो बार बंद होगी, यहाँ से बंद होगी, चलाइए यहाँ से बंद होगी, ये तीन नंबर हो फुल हो गया, फिर एक नंबर हो गया, ये दो नंबर हो गया, ये तीन नंबर हो गया फुल हो गया, अब यहाँ दो बार बंद हो, ये बंद हो गया, आ तो गया। तो इनकी जानकारी के बाद मेरा भाई आ गया था, क्योंकि हम लोगों को चिमनी की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैं फिर हम लोगों ने अपने भाई को बुलाया कि थोड़ा सा तुम भी देख लो। तो यहाँ पर फिर मेरा भाई भी आ गया था बुलाने पे, लेकिन उसको नाइट में ड्यूटी जाना था पर वो थोड़ी देर के लिए आ गया था। और यहाँ पर हम लोगों की इसकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा लग रही थी, पर इसका सक्सेंसर पावर जो है वो 1500 है, और 1500 बहुत ज़्यादा होता है, इस चिमनी में सबसे ज़्यादा था, मतलब इसकी जो खींचने की क्षमता है वो और चिमनियों से बहुत ज़्यादा थी। वैसे जो चिमनियों में आती है सक्सेंसर पावर, मतलब खींचने की जो क्षमता, वो 1200 आती है लगभग, और 1200 की ही मिलती है, ये अभी न्यू मार्केट में आई है, तो इसकी 1500 थी, तो इसलिए फिर इसको हम लोगों ने ले लिया था। और ये ऑटोमेटिक क्लीन है, और सेंसर लगाइए आप देख सकते हैं कि इसको मतलब किस तरीके से हम लोगों को यूज़ करना है, इन लोगों ने सारी जानकारी हम लोगों को दे ही दी थी, और फाइनली चिमनी लग गई थी। और इसका प्राइस अब मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो प्राइस है, नॉर्मली मैं केवल जानकारी के लिए आपको बता रही हूँ, इस चिमनी का जो प्राइस है वो है 18,900 रुपये, और ये हमें इतने की ही पड़ी थी, लेकिन इस में हमें साथ में दिवाली का गिफ्ट मिला हुआ है, और वो गिफ्ट मिला था हम लोगों को 1300 रुपये का, और वो है, मैं केवल आपको जानकारी ही दे सकती हूँ क्योंकि मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया है। वो क्या है मैं वो बता देती हूँ, वो है एक टोस्टर गाइस, मैं आगे वीडियो में यूज़ करके आपको दिखाऊंगी, वो हम लोगों को दिवाली के गिफ्ट के तौर पे चिमनी के साथ मिला है, और उसमें सैंडविच वगैरह भी बन जाता है, तो वो मैं आप नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा, मैं ज़रूर दिखा दूँगी आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, और भाई सही बात है कि घर में कोई भी काम कराओ तो बच्चे से बच्चे बड़े सभी लोग खुश हो जाते हैं, और मेरी जो सास हैं वो भी बैठी हुई थी वहीं पर, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने सब कुछ अच्छे से देख लिया था, और जब सारी तसल्ली हो गई थी, और थोड़ी सी चिमनी की हाइट हमें ज़्यादा लग रही थी, पर उनसे बात की हम लोगों ने, तो उनका कहना यही था कि वो 2.5 फुट पे ही लगती है, और अगर आपको कोई दिक्कत लगे, आपको लगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है अगर इसकी हाइट से, तो आप एक बार हमें फ़ोन कर लेना, हम इसको नीचे कर जाएंगे। तो हम लोगों को फिर ज़्यादा इशू फिर हम लोगों ने बनाया नहीं, हमने कहा कि ठीक है जब वो ऐसा बोल रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए फिर हम लोगों ने इसको ऐसे ही लगा रहने दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगने के बाद सारी चीज़ें भाई परफेक्ट हो चुकी हैं, अब ऐसा कोई भी काम किचन में नहीं रह गया है जो हम लोगों को कराना है, और छोटा मोटा तो देखिए चलता रहता है, वैसे अब किचन का कोई भी काम नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी डस्ट वगैरह थी, तो वो मैं यहाँ पर साफ़ सफाई में लग गई थी और क्लीन करने लग गई थी, और ये कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं लगती है, जब कोई बड़ा काम घर में होता है ना और उसकी खुशी इतनी ज़्यादा होती है, तो ये सारी चीज़ें तो फिर छोटी मोटी लगती हैं, और साफ़ सफाई तो भाई लेडीज़ों का ज़िंदगी भर का है, तो इसलिए यही सोच लेते हैं कि हाँ ये काम जो है वो हमारा है, अगर हम खुशी से करेंगे
तो भी हमें करना है, और हम दुख से करेंगे तो भी हमें करना है। जब हमें दोनों प्रकार से ही करना है तो क्यों ना हम खुशी से हर काम को करें, और खुशी से काम करते हैं तो भाई घर में सुकून शांति और बरकत होती है। अगर आपके घर की महिला खुश है, मतलब लेडीज़ खुश है, तो समझ लीजिए कि सब खुश हैं, ऐसा भाई मैंने सुना है। फिर सारे काम होने के बाद गाइस यहाँ पर अराबी जो थी वो मेरे भाई के साथ आ गई थी, और यहाँ खेल रही थी यस छोटे वाले बेटे के साथ और यसवी के साथ। तो ये तीनों बच्चे अलग खेल रहे थे, और फिर मेरा भाई जैसे ही काम ख़त्म हुआ तो मेरा भाई फिर यहाँ से चला गया, क्योंकि उसे जाना था ड्यूटी, तो ये लोग जाने लग गए थे। और सारे कामों से मैं फ्री भी हो गई थी, मतलब जो भी फैला हुआ था वो सारा समेट दिया था। तो फाइनली ये मेरा भाई जो था वो चला गया था और काम भी हो गए थे। और तो गाइस आज हमारे घर में हो गया है बहुत बड़ा काम दिवाली से पहले, और हमारी जो किचन है वो परफेक्ट हो चुकी है। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है, कमेंट ज़रूर करिएगा गाइस, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।